वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। एंड गाइस आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ बेसिक फ्रैक्शन। फाइनली गाइस इतने दिनों के बाद मैंने सोचा कि आज बेसिक फ्रैक्शन बता ही देता हूँ। एंड मैं आ गया हूँ आज आप लोग को बेसिक फ्रैक्शन बताने। तो इस बेसिक फ्रैक्शन ज़्यादा कुछ नहीं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन फ्रैक्शन होता है। मैं हेडिंग डाल देता हूँ बेसिक फ्रैक्शन। भाई जो बेसिक फ्रैक्शंस होते हैं उनमें ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होता। मैं बताता हूँ बेसिक फ्रैक्शन में सबसे पहले आते हैं वो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर आते हैं, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया था। उसके बाद हम लोग का एक बार फिर से बताता हूँ जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। यहाँ पे डालते हैं प्रॉपर, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें हम लोग का जो डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है एंड न्यूमरेटर जो छोटा होता है। जैसे 2/6 कॉमा 4/8 कॉमा 2/9। सो ये होता है हम लोग का प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद हम लोग का आता है मिक्स्ड, वो सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है हम लोग का वो हम लोग का होता है जिसमें हम लोग का डिनोम जैसे 6/2 कॉमा 8/4, नहीं मैं दूसरा ले लेता हूँ, हम लोग लेते हैं 7/2 9/7 4/3, ये होते हैं हम लोग के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मैंने गैस आप लोग को बताया था कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। अब गैस बहुत लोग का कन्फ्यूज़न था कि हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को अब हम लोग इम्प्रॉपर में कैसे बदल सकते हैं। तो मिक्स को इम्प्रॉपर में करने के लिए हम लोग का जो सिंपल तरीका मैं आप लोग को दिखाता हूँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग को करने के लिए हम लोग का जैसे हो गया 9/2 को हम लोग को अगर मिक्स में बदलना है तो पहले डिनोमिनेटर और क्वेश्चेंट को हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना होता है, 8/9 तक कर देना होता है। तो 8/9 72 होता है एंड 72 हो जाता है एंड 72 इसको जब हम दोनों को उसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इसको हम लोग के रिमाइंडर को प्लस कर देना है। तो 8 को यानी कि हम लोग के डिविडेंड को मल्टीप्लाई कर देना होता है। मैं आपको अच्छे से करके दिखाता हूँ, इसकी फॉर्मूला करके दिखाता हूँ। डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर को हम लोग जाएंगे तो पहले हम लोग का जो हम लोग का डिविडेंड था हम लोग का 8 समझ लो, ये हम लोग का 9 था और ये हम लोग का 2 था। तो 8/9 से हम लोग का 72 होता है, 72 प्लस 2 हम लोग का होता है 74। सो आंसर इज इक्वल टू 74। अब गाइस इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन 72/4। अब एक बार चेक कर लेते हैं इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन निकाल के, 74/4 4 से डिवाइड करो 4/7 4 ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3/8 हम लोग का, ओ सॉरी 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 मैंने गलती कर दी, डिनोमिनेटर बदल दिया मैंने। डिनोमिनेटर हम लोग का सेम रहेगा, डिनोमिनेटर मैंने गलती से 8 को 4 बना, मैं 8 को 4 बना दिया, ये 8। अब डिवाइड करते हैं इसे, तो 8 डिवाइडेड बाई 74, 8/9 72 और यहाँ पे 4-2 होगा तो बचेगा 2। अभी हम लोग का जो फार्मूला के हिसाब से करेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, रिमाइंडर हम लोग को ऊपर चला गया, इंडिविजुअल नीचे आ गया, देख लीजिए आंसर करेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जो मिक्स फ्रैक्शन को होता है उसको हम लोग इम्प्रॉपर में कर सकते हैं। तो हम लोग चलो आगे चलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो हम लोग का आता है हम लोग का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है वो आप लोग का मैं बताता हूँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है मैं दिखाता हूँ, 1/2 कॉमा 2/4 कॉमा 4/8, ये हम लोग के इक्वल हैं एक दूसरे से, क्योंकि अगर वन इनको डबल कर दोगे तो हम लोग का ये आंसर आएगा, इनको डबल करने के बाद ये आंसर आएगा, ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन याद रखिएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं ये।
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद हम लोग का आता है यूनिट फ्रैक्शन, हम लोग के यूनिट फ्रैक्शन आते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। जो यूनिट फ्रैक्शन होते हैं इन, ये इनका क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो वन होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, न्यूमरेटर वन अपॉन टेन, वन अपॉन हंड्रेड, वन अपॉन एट्टी, ये सब यूनिट फ्रैक्शन है, ये सब यूनिट फ्रैक्शन होते हैं। अब इसके बाद आता है लाइक्ड फ्रैक्शन, क्या आता है, लाइक्ड, एल आई सी ए डी, लाइक्ड फ्रैक्शन। हम लोग का जो लाइक फ्रैक्शन होता है उसमें हम लोगों का करना होता है, हम लोग के डिनोमिनेटर जो सेम होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हम लोग का लाइक फ्रैक्शन हो टू अपॉन एट्टी, फोर बाई एट्टी, नाइन बाई एट्टी, ये देख सकते हैं सब सेम है। आप लोग का अगर याद होगा सम, सम करने के लिए, सम और सब्ट्रैक्ट मतलब प्लस और माइनस करने के लिए हम लोग को डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं, और जब भी लाइक फ्रैक्शन में करना होता है तो लाइक फ्रैक्शन में करने के लिए हम लोग को एलसीएम निकालना होता है, तो वही लाइक फ्रैक्शन था, मैंने आप लोग को टॉपिक बताया नहीं था, ये लाइक फ्रैक्शन था जिनके डिनोमिनेटर सेम होता है, एंड लाइक फ्रैक्शन की ही मदद से हम लोग किसी चीज़ को प्लस एंड सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या आ जाता है हम लोग का, अनलाइक फ्रैक्शन, क्या आता है, अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन के बाद हम लोग का आता है अनलाइक फ्रैक्शन, हेडिंग डालते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। गाइस जो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन हेडिंग डाल दिया, जो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, जैसे टू बाई नाइन्टी, फोर बाई टेन, इलेवन बाई ट्वेंटी, ये होते हैं हम लोग के अनलाइक फ्रैक्शन, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, न्यूमरेटर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है बट डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एंड हम लोग को जो प्लस होता है तो वो डिनोमिनेटर सेम तो नहीं होते हैं, तो हम लोग एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर सेम करते हैं, एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर सेम करते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन के बाद आई थिंक हम लोग के सारे टॉपिक जो होते हैं वो कवर हो गए होंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, यूनिट फ्रैक्शन हो गया, और हाँ सो हम लोग के सारे फ्रैक्शन हो चुके हैं, एंड इन्हीं की मदद से बेसिक फ्रैक्शन को अगर आपने पढ़ा तभी जाके आप लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी थी, मैंने डिवाइड वाइड पढ़ा दिया था पहले, तो मैंने अब उसको कवर कर दिया था, अब आप लोग पूरा पीछे की वीडियोस देखो, बहुत ही अच्छी रहेंगी, एंड आज की वीडियो तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।